गुड मॉर्निंग डियर क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट, एंजॉयिंग गुड हेल्थ एंड वेकेशन. आई एम सानिया जावेद. आई विल टीच यू IT फ्रॉम द बुक कंप्यूटर विज एडिशन 3. एज यू नो दैट टुडे इज ओवर 5th ऑनलाइन लेक्चर. सो बिफोर स्टार्टिंग ओवर टुडेज लेक्चर, लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्रीवियस लेक्चर. तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेसन में हमने बुक वर्क किया था, एक क्वेश्चन किया था जो कि पेज नंबर 5 पे है. हाउ इज प्रेजेंट डे कैलकुलेटर डिफरेंट फ्रॉम द लेबनिज कैलकुलेटर, कि प्रेजेंट डे मौजूदा दौर का जो कैलकुलेटर है वो लेबनिज कैलकुलेटर से किस तरह डिफरेंट है, किस तरह मुख्तलिफ है. तो आंसर में क्या पढ़ा था हमने कि प्रेजेंट डे कैलकुलेटर जो है वो लेबनिज कैलकुलेटर से इस तरह मुख्तलिफ है कि इट इज़ फास्ट, स्मॉल, एक्यूरेट. ये फास्ट है वर्किंग में, साइज में स्मॉल है, रिजल्ट में एक्यूरेट है, एंड ईजी टू यूज़ और यूज़ करने में आसान है लेबनिज कैलकुलेटर की निस्बत. ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 6 पे एक क्वेश्चन है बुक वर्क में, जिसमें है स्टेट 3 रीजंस व्हाई द प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज़ बेटर देन द मार्क 1, के प्रेजेंट डे का जो कंप्यूटर है वो मार्क 1 कंप्यूटर से किस तरह बेहतर था. 3 रीजंस बतानी है. तो हमारे पास यहाँ पे बुक पे इतनी स्पेस नहीं थी कि हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें, तो आप लोगों ने मेरे साथ अपनी नोटबुक पे ये क्वेश्चन नोट किया था. इसका मैं रिव्यू दे देती हूँ कि 3 रीजंस ये बताई थी. 1 रीज़न ये थी कि प्रेजेंट डे कैलकुलेटर जो है वो साइज़ में छोटा है, मार्क 1 साइज़ में बड़े थे. दूसरी रीज़न ये थी कि प्रेजेंट डे का कैलकुलेटर जो है वो स्पीड में फास्ट है और मार्क 1 जो कंप्यूटर है वो स्पीड में स्लो था. थर्ड रीज़न ये थी कि प्रेजेंट डे का कैलकुलेटर मल्टी फंक्शनिंग है, मल्टी टास्क परफॉर्म कर सकता है. मार्क 1 मल्टी टास्किंग नहीं था, मल्टी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता था. ये 3 मेन रीजंस थी उसकी, इन दोनों में जो डिफरेंस था. ठीक है, ये तो हमारा प्रीवियस लेसन था. अब हम अपने आज के लेसन पे आ जाते हैं जो कि पेज नंबर 7 के ऊपर है. जल्दी से आप लोग सबसे पहले ऊपर डेट एंड डे मेंशन कर लें, आज की जो डेट और डे है उसको मेंशन कर लें. अब हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. 1946 में जो इन्वेंशन हुई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द एनिक कंटेंट वैक्यूम ट्यूब. एनिक कंटेंट जो है वो वैक्यूम ट्यूब. एनिक जो है कंप्यूटर का नाम है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये वाले कंप्यूटर का नाम एनिक है और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी उसका नाम वैक्यूम ट्यूब है. इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर. ये पहला कंप्यूटर था दैट कुड सॉल्व प्रॉब्लम्स एट अ स्पीड 1000 times faster than any other electric or mechanical machines of that time. ये उस दौर का पहला कैलकुलेटर था जो प्रॉब्लम्स को 1000 times तेज़ी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की सलाहियत रखता था उस दौर के इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल कैलकुलेटर्स की निस्बत. ये जो है 1000 times बेहतरीन तरीके से काम करता था. इतना बड़ा कैलकुलेटर जैसा कि आपको कंप्यूटर नज़र आ रहा है, इसमें एक वैक्यूम ट्यूब तो यूज़ नहीं हुआ होगा ना, इसमें 19,000 वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुए. ठीक है, तो इसमें 1946 में एनिक में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो वैक्यूम ट्यूब थी. ठीक हो गया, उसके बाद हम 1947 की बात अगर करें कि 1947 में कौन सी इन्वेंशन हुई थी. ट्रांजिस्टर्स वर इन्वेंटेड. ट्रांजिस्टर भी एक टेक्नोलॉजी है जो कि इन्वेंट हुई थी ड्यूरिंग द 1950s. कंप्यूटर वर मेड 1950 के दौरान. कंप्यूटर जो उस दौर में जो कंप्यूटर बने थे विद ट्रांजिस्टर्स एंड दे बिकम स्मॉलर एंड फास्टर. ठीक है, उनमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई और वो ट्रांजिस्टर का बेसिक पर्पस ये था कि ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है कंप्यूटर के अंदर. ठीक है, ये आज के कंप्यूटर में भी ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं. इनका काम होता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को उतना ही कंप्यूटर को देते हैं जितना उसको रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, इसलिए कंप्यूटर जो साइज़ में स्मॉल हो गए हैं और वर्किंग में फास्टर हैं. दे ऑल्सो प्रोड्यूस लेस हीट एंड वर मोर रिलायबल. इनकी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का एक फ़ायदा ये हुआ कि पहले कंप्यूटर जो थे वो
हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, तो इसके इस्तेमाल से लेस हीट प्रोड्यूस करना उन्होंने शुरू की और ज़्यादा रिलायबल हो गए कंप्यूटर्स। द यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स वॉज बिल्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट सेंसिस ब्यूरो। अब यूनिवैक कंप्यूटर्स में इनको यूज़ किया गया जो ओके यूनाइटेड स्टेट सेंसिस ब्यूरो ने बनाए थे। ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर हैं ये छोटे से हैं लेकिन इनका काम तो काफ़ी बड़ा है। अब 1958 की अगर हम बात कर लें, 1958 में इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज इन्वेंटेड, कि इंटीग्रेटेड सर्किट की इन्वेंशन हुई थी। इट वॉज फर्स्ट यूज बाय द यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स इन 1961। इसको वेरी फर्स्ट टाइम यूनाइटेड स्टेट यानी यूएस की एयर फोर्स ने 1961 में यूज़ किया टू क्रिएट कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स बनाने के लिए यूजिंग सिलिकॉन चिप्स को यूज़ करके। एज यू कैन सी इसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बच्चों कहते हैं। ठीक है, और ये जो चिप्स आपको नज़र आ रही हैं छोटी छोटी, इनको हम सिलिकॉन चिप्स कहते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक हैंड हेल्ड कैलकुलेटर जो था, हैंड हेल्ड का मतलब होता है वो छोटी सी डिवाइस जिसको आप एक हाथ में पकड़ के दूसरे हाथ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे मोबाइल फोन्स हैं छोटे से हैं, इनको हम हाथ में पकड़ के यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर की बात करी है जो कि बनाया गया था और उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था। ठीक है, अब हम अपने पेज नंबर 8 पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो एक्टिविटीज़ दी गई हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में कह रहा है व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पिक्चर, दो पिक्चर्स हमें दिखाई गई हैं और कहा है कि इन पिक्चर्स में क्या हो रहा है वो बताइए। तो जैसा कि बच्चों आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक मैन है जो कि अपनी फिंगर्स के थ्रू काउंटिंग कर रहा है। ठीक है, और सेकंड पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है कि एक बॉय है जो कि अबेकस कैलकुलेटर को यूज़ कर रहा है। तो हमने नीचे लिखना है कि ये मैन क्या कर रहा है। द मैन इज़ यूजिंग THE द MN मैन IS इज़ यूजिंग USING यूजिंग हिज फिंगर्स HIS his FINGERS fingers to count TOUCOUNT count कि मैन अपनी फिंगर्स को काउंटिंग करने के लिए यूज कर रहा है, ये आपने लिखना भी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पिक्चर में द बॉय इज यूजिंग अबेकस कैलकुलेटर, सेकंड पिक्चर में बॉय अपना अबेकस कैलकुलेटर यूज कर रहा है। स्पेल आउट कर रही हूँ THE the BOY boy IS is using 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 abacus 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 calculator CALCULATOR calculator। ठीक हो गया, आपने ये दोनों एक्टिविटीज में हमने देखा कि एक मैन जो है वो फिंगर्स पे काउंटिंग कर रहा है, सेकंड में जो है बॉय abacus calculator यूज कर रहा है। इस एक्टिविटी को लिखना भी है। सेकंड एक्टिविटी पे आ जाते हैं, कह रहा है ड्रॉ द लाइन फ्रॉम द डेट ऑफ ईच इन्वेंशन टू इट्स नेम, कि हर इन्वेंशन को उनकी डेट के साथ लाइन के साथ ड्रॉ करें, बताएं कि कौन से टाइम में कौन सी इन्वेंशन हुई थी। अपना स्केल और अपनी पेंसिल उठा लें ताकि मैच कर लें साथ साथ। 1642 में पेस्क्लीन इन्वेंट हुआ था, 1694 में लेबनिज कैलकुलेटर इन्वेंट हुआ था, 1940 में मार्क वन इन्वेंट हुआ था, 1946 में एनिक इन्वेंट हुआ था, और 1951 की बात करें तो इसमें यूनिवैक इन्वेंट हुआ था। ये तो हमारा बुक वर्क था, इस एक्टिविटीज़ को आपने बहुत ध्यान से करना है, पहले तो खुद से करने की कोशिश करनी है ओरली और फिर उसके बाद वीडियोस में से देखिएगा। ठीक है, नाउ ओपन अप योर कॉपीज एवरीबडी, हम अपना रिटन वर्क स्टार्ट करते हैं। अपनी पेंसिल रेजर शॉर्पनर रूलर और अपनी नोटबुक पास रखें और नोटबुक को ओपन करें। जी बेटा, आपने अपनी कॉपीज ओपन कर ली हैं। अब सबसे पहले आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है लेड पेंसिल के साथ, जैसा कि आपको नजर आ रहा है पेज के साइड पे मैंने पहले से मार्जिन लाइन ड्रॉ की हुई। आपने बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने पेज के टॉप पे डेट और डेट मेंशन करना है, क्लास वर्क आज जो डे है वो लिखना है, जो डेट है वो लिखनी है और यहाँ पे क्लास वर्क लिखना है। उसके बाद मैंने पेंसिल इसलिए काम किया क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, ये मेरी टीचर कॉपी है, आप लोगों ने अपनी पेंसिल्स के साथ काम करना है। चैप्टर नंबर 1 नंबर का एन कैपिटल होगा,
फिर पेजेस पेजेस 2 to 9, फिर चैप्टर का नाम विज लुक्स बैक, विज WHIZ विज लुक्स LOOKS लुक्स बैक BACK बैक विज लुक्स बैक। चैप्टर का नाम है विज का W, लुक्स का L और बैक का B कैपिटल लिखना है। इसके बाद साइड पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। व्हेन वाज द इंटीग्रेटेड सर्किट इन्वेंटेड। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो कब इन्वेंट हुआ था, हमने बताना है कि कब इन्वेंट हुआ था। हमने आज ही पढ़ा है कि 1958 में इन्वेंट हुआ था, आज की रीडिंग में पढ़ा है, तो हम स्पेल आउट कर लेते हैं। WHEN व्हेन वाज, WS वाज द, THE द, इंटीग्रेटेड INTEGRATED इंटीग्रेटेड सर्किट CIRCUIT सर्किट इन्वेंटेड INVENTED इन्वेंटेड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आंसर में आप लिखेंगे द इंटीग्रेटेड, आंसर में लिखेंगे द THE द इंटीग्रेटेड INTEGRATED इंटीग्रेटेड सर्किट CIRCUIT सर्किट वॉज, WS वॉज इन्वेंटेड INVENTED इन्वेंटेड इन 1958 में इन्वेंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। व्हाट डज यूनिवैक स्टैंड्स फॉर, यूनिवैक का एब्रिवेशन बताना है हमने कि किस के स्टैंड्स फॉर है, यू का क्या मतलब है, एन का क्या मतलब है, आई का क्या मतलब है, वी का क्या मतलब है, ए का और सी का क्या मतलब है। आंसर में लिखेंगे यूनिवैक UNIVAC कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे स्टैंड्स STANDS स्टैंड्स फोर FOR यूनिवर्सल UNIVERSAL यूनिवर्सल, ऑटोमेटिक AUTOMATIC ऑटोमेटिक, कंप्यूटर CUTER कंप्यूटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट ब्लैंक है स्टोन एज पीपल कुड कम्युनिकेट बाय डैश, स्टोन एज यानी पत्थरों के दौर में रहने वाले लोग जो थे वो किस तरह कम्युनिकेट करते थे रिटर्न सिंबल से, WRITTEN रिटर्न SYMBOL रिटर्न सिंबल। सेकेंड ब्लैंक की तरफ आते हैं। द पेस्कलिन वॉज इन्वेंटेड बाय डैश, पेस्कलिन को किसने इन्वेंट किया था, ब्लेज पास्कल ने, ब्लेज पास्कल उसका इन्वेंटर था, उसका नाम था द पेस्कलिन PASCALINE पेस्कलिन वॉज इन्वेंटेड INVENTED इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल, ब्लेज का बी कैपिटल आएगा BLAISE ब्लेज पास्कल PASCAL पास्कल, ब्लेज का बी और पास्कल का पी कैपिटल होगा। थर्ड ब्लैंक की तरफ देखें तो उसमें कह रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज इन्वेंटेड बाय डैश, इंटीग्रेटेड सर्किट को किसने इन्वेंट किया था, जैक किलबी ने, जैक किलबी ने, ठीक है। INTEGRATED इंटीग्रेटेड सर्किट CIRCUIT सर्किट वॉज, WS वॉज इन्वेंटेड INVENTED इन्वेंटेड बाय बाय जैक JACK जैक, जैक का जे बड़ा किलबे KILBY किलबे, के कैपिटल KILBY किलबे, जैक किलबे। फोर्थ ब्लैंक की बात करें तो फोर्थ ब्लैंक में देखते हैं डैश इज अ पर्सनल कंप्यूटर विद टच स्क्रीन, कौन सा पर्सनल कंप्यूटर है जो कि टच स्क्रीन वाला होता है, टैबलेट टैबलेट TABLET टैबलेट इज अ PERSONAL पर्सनल कंप्यूटर CUTER कंप्यूटर विद WITH विद टच स्क्रीन TOUCH टच SCREEN स्क्रीन। फोर्थ ब्लैंक ये थी। अब हम फिफ्थ की देखते हैं। इन्वेंशन ऑफ डैश मेड कंप्यूटर स्मॉलर एंड फास्टर। फिफ्थ ब्लैंक में कह रहा है कि कौन सी टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन ने कंप्यूटर को स्मॉलर और फास्टर बनाया, वो टेक्नोलॉजी है ट्रांजिस्टर, कौन सी टेक्नोलॉजी है ट्रांजिस्टर। स्पेल आउट कर रही हूँ INVENTION इन्वेंशन ऑफ OFOF ट्रांजिस्टर TRANSISTOR ट्रांजिस्टर
मेड MADE मेड कंप्यूटर COMPUTER कंप्यूटर स्मॉलर SMALLER स्मॉलर एंड ANDE एंड फास्टर FASTER फास्टर। जी बच्चों आपने बहुत ही ध्यान से अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स लिखनी है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ कि सब ब्लैंक्स में क्या आना है। फर्स्ट ब्लैंक में आएगा रिटर्न सिंबल, सेकंड ब्लैंक में आएगा ब्लेज पास्कल, थर्ड ब्लैंक में आएगा जैक किल्बे, फोर्थ ब्लैंक में आएगा टैबलेट और फिफ्थ ब्लैंक में आएगा ट्रांजिस्टर। जी बच्चों हमारा आज का लेसन यहीं तक था जिसमें हमने पेज नंबर 7 की रीडिंग की है और दो एक्टिविटीज़ की हैं, ठीक है, और हमने बुक वर्क के ऊपर दो क्वेश्चंस किए हैं और एक फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन किया है। अब आपका होम टास्क ये है कि हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, आपने पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, बुक वर्क पे जितना काम करवाया है वो सारा याद करना है, उस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से माइंड में रखना है, ठीक है। और अपना जो आप रिटर्न वर्क करते हैं वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, टाइडी वर्क होना चाहिए, अनटाइडी नहीं होना चाहिए, मार्जिन लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। और गौर से वीडियोस देखिएगा ताकि आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो और रेजर यूज़ ना करना पड़े, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय क्लास।